अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफ़त जुलेखास किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं बेहतरीन सा फालूदा जिसका नाम है रॉयल फालूदा। जैसे आप देख सकते हैं दिखने में भी रॉयल है, नाम भी रॉयल ही है और खाने में भी उतना ही रॉयल है। बहुत ही डिलिशियस है। और वैसे मैंने एक दो फालूदे की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। कुछ डेजर्ट की रेसिपीज भी मैंने बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोड की है, वो भी सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी रॉयल फालूदा। सबसे पहले आधा लीटर दूध को पतीली में डालिए फास्ट आंच पर, उसे एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है अब चूल्हे को कर दीजिए स्लो या मीडियम आंच। 1.5 टेबलस्पून जितना शक्कर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो कम या ज्यादा शक्कर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए 2 से 3 टेबलस्पून जितना रोज सीरप, जो रू अफजा होता है वो, कोई भी कंपनी का आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और तब तक पकाएं जब तक शक्कर नहीं गल जाती। 1-2 मिनट में तो शक्कर गल जाएगी। जब गल जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाता है रूम टेम्परेचर पे आके तो इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, सो दैट अच्छा ठंडा हो जाए तो बहुत मजा आएगा। 2-3 घंटे के बाद जब दूध रू अफजा वाला हमारा अच्छा ठंडा हो जाता है तो एक बाउल के अंदर 1.25 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून जितना सब्जी के बीज डालें, 1/2 कप पानी डाल दें, मिक्स कर लें और उसे 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दें। 10-15 मिनट में तो वो फूल जाएंगे। ये सब्जी के बीज की तासीर ठंडी होती है तो जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंड पहुंचाती है गर्मी के सीजन में। ये आप जितना हो सके शरबतों में डाल डाल के इसे पिए, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। जब सब्जी के बीज को 15 मिनट हो जाए और फूल जाए तो यहाँ मैंने लिया है ठंडा ठंडा हमारा दूध। ये है रू अफजा का सेव, मैंने घर में बनाया है। आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, मैं ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। सबसे पहले आप ग्लास के अंदर जो रू अफजा होता है ना, इस तरीके से ड्रिजल कीजिए ग्लास की वॉल के ऊपर। और जब ड्रिजल कर लें अच्छे से तो उसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून फालूदे की सेव या फिर होले आप कहते हो, मैं तो इसे होले ही कहती हूँ, मैंने घर में बनाया है, आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए थोड़ा सा, हमने ये जो भिगाकर साइड पर रखा था ये सब्जी के बीज, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ डाल दीजिए 1 टेबलस्पून सीरप, रोज सीरप। वैसे मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ये कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दूध में थोड़ा कम ही रखा है सो दैट ज़्यादा मीठा ना लगे और यहाँ पर हम ये जो सीरप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भरकर वैनिला आइसक्रीम, इससे टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, ज़रूर डालिएगा। उसके बाद डालिए सूखा मावा जिसे हम बादाम पिस्ते कहते हैं, बारीक कटे हुए डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने ठंडा ठंडा जो शरबत बना के रखा है वो डालकर ये जो हमारा ग्लास है उसे सारा भर दीजिए इस तरीके से। अब डाल दीजिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आप चाहें तो फिर से मैं थोड़ा सा आइसक्रीम ऊपर डाल रही हूँ। उसके बाद ये जो सेव है आपने बना के रखी फालूदा वो डाल दीजिए। उसके बाद थोड़े से सब्जी के बीज डालिए, थोड़ा सा वो ड्रिजल कर दीजिए रोज सिरप इसके ऊपर, और उसके ऊपर अब बादाम पिस्ते से डेकोरेट करके ठंडा ठंडा हमारा रॉयल फालूदा सर्व कीजिए। ये बन गया हमारा बढ़िया सा रॉयल फालूदा। अब आप इससे ही हिसाब से दूसरा वाला ग्लास भी बना लीजिए। तो है ना हमारा रॉयल फालूदा एकदम बाजार जैसा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।